भारत भूमि हमेशा से वीरों की भूमि कहलाती आई है। इसकी धरती पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिसे दुनिया आज भी गर्व से याद करती है। आज से करीब 150 साल पहले पंजाब प्रांत के मोंगा जिले के ढुंडके ग्राम में एक दीप प्रज्वलित हुआ। ये दीपक लाला लाजपत राय के नाम से प्रकाशमान हुआ। इस दीपक की रोशनी से उस समय की ब्रिटिश सरकार चौंधिया गई। आज हम भारत के उस महान राष्ट्र निर्माता लाला लाजपत राय का जन्मदिन मना रहे हैं। 28 जनवरी सन 1865 को लाला लाजपत राय जी का जन्म उनके ननिहाल में हुआ। उनके पिता मुंशी राधा किशन अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे और उनकी माता श्रीमती गुलाब देवी एक गृहिणी थी। पिताजी अग्रवाल वैश्य परिवार से थे जबकि उनकी माता सिख परिवार से थे, इसलिए दोनों के धार्मिक विचार भिन्न भिन्न थे। लेकिन इनकी माता बहुत ही साधारण स्वभाव की भारतीय नारी की तरह अपने पति की सेवा करती थी। लाला लाजपत राय की शिक्षा 5वें वर्ष में आरंभ हुई। उनकी शिक्षा उन्हीं स्कूलों में हुई जहां उनके पिताजी अध्यापक रहे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। विद्यार्थी काल में ही मिडिल पास करते ही उनका विवाह राधा देवी के साथ हो गया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1880 में उन्होंने लाहौर के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया। इसी दौरान सन 1882 में वो आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1883 को दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतिम सांस ली। उस दिन सारा देश स्वामी जी की मृत्यु से बहुत दुखी था। तब लाला लाजपत राय की आयु करीब 18 वर्ष थी। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए लोग इतना ज्यादा दुखी थे कि कोई दो शब्द भी नहीं बोल सका। लाला जी के व्यक्तित्व को अगर बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करूं तो उपयुक्त शब्द होंगे कि लाला जी देशभक्त की एक सजीव प्रतिमा थे। उनके लिए धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, ईश्वर पूजा सभी का अर्थ था देश से प्यार, देशभक्ति, देश सेवा। देश से प्यार से उनका अभिप्राय था कि देश के किसी भी कोने में जीवन के धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, औद्योगिक अथवा सामाजिक किसी भी क्षेत्र में तथा भारत के किसी भी प्रांत में अगर कोई बुराई अथवा कमजोरी देखने में आए तो उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करना तथा इन प्रयत्नों द्वारा अपने देश को सबल, सुदृढ़, सक्षम और सामर्थ्यशाली बनाकर स्वराज दिलाना, उसे एक राष्ट्र बनाकर संसार के सर्वोत्तम राष्ट्रों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देना और इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस महान यज्ञ में अपने तन, मन, धन, समय और स्वास्थ्य की आहुति दे देना। ऐसे थे लाला लाजपत राय। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव पड़ चुकी थी। कांग्रेस के मुख्य विरोधी सुप्रसिद्ध एक बड़े नेता में लाला जी को राष्ट्र विरोधी नीति में द्रोह की झलक नजर आई। उन्होंने उर्दू के पत्रों में उनके नाम खुली चिट्ठियां लिखी जिसमें उनकी पैतरेबाजी की उन्होंने कड़ी आलोचना की। ये लाला जी का पहला राजनीतिक विवाद था। सन 1888 के पहले लाला लाजपत राय दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की नींव डाल चुके थे। उस समय उनकी आयु 23 वर्ष की थी। उनमें देश प्रेम का तूफान उठ रहा था। वे उतावले हो रहे थे कि इस नए आवेश को कैसे शांत करें। इसी वर्ष कांग्रेस पार्टी का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ जिसमें लाला जी पहली बार सम्मिलित हुए। लाला जी जब इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए ह्यूम साहब, पंडित मदन मोहन मालवी और पंडित अयोध्या नाथ आए हुए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में
लाला जी पहली बार हिंदी भाषा में बोले। मैं लाला लाजपत राय सर्वप्रथम आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपने देश और जाति की सेवा को अपना धर्म नहीं समझता, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उसे मनुष्य का शरीर तो मिला है पर वो अभी मनुष्य नहीं बन पाया है। वर्तमान स्थिति की सबसे बड़ी मांग है जनसामान्य का उत्थान, शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक। जनसामान्य को महसूस होना चाहिए कि हम उनके लिए उनके हित में काम कर रहे हैं। हमारी नजर में शिक्षा का उद्देश्य पुरुषों तथा स्त्रियों को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है। सभी संप्रदायों के बीच पारस्परिक विश्वास और सौहार्द के बिना, उनमें प्रेम और एकता से रहने की इच्छा के बिना, एक दूसरे की गलतियों को भुला देने और क्षमा कर देने की तत्परता के बिना हम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम संगठित रहेंगे तो उठेंगे और पटेंगे तो गिरेंगे। सब एक हो जाओ, अपना कर्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा राष्ट्र है। राष्ट्र की मुक्ति के लिए, देश के उत्थान के लिए कमर कस लो, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में समाज का उपकार हो सकता है। उठो और आगे बढ़ो। कांग्रेस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की काफी सराहना हुई। इलाहाबाद के अधिवेशन से कांग्रेस में सम्मिलित होना राजनीतिक जीवन में लाला लाजपत राय का पहला कदम था। सन 1905 के कांगड़ा का भूकंप, राजपुताना और सेंट्रल प्रोविंस के अकाल में लाला लाजपत राय ने तन मन धन से पीड़ितों की सेवा की। सबसे पहला अनाथालय लाहौर में खोला गया, जिसका प्रबंधक सरदार किशन सिंह को बनाया गया, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पिता थे। देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता और किसानों की मदद के लिए पंजाब नेशनल बैंक सरीखे राष्ट्रीय बैंक का आरंभ कराया और पूर्ण रूप से भारतीय लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 19वीं सदी में तब की जब इस तरह की कल्पना करना भी कठिन था। लाला जी ने अछूतोद्धार के लिए अनेक आंदोलन करने के साथ उनके उत्थान और शिक्षा के लिए अनेक स्थायी आश्रमों की स्थापना की। उस समय लोगों में लाला जी के भाषण लोगों के मार्गदर्शन का काम कर रहे थे। मैं इस देश में हिंदू राज नहीं चाहता, लेकिन मुस्लिम राज भी नहीं चाहता। मैं एक भारतीय राज चाहता हूं। सिद्धांत में अटूट विश्वास के बिना हम एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। अतः हमारा तत्कालिक काम यह होना चाहिए कि हम उन तरीकों और साधनों का पता लगाएं जिससे सभी संप्रदाय मित्रता और पारस्परिक विश्वास के वातावरण में एक दूसरे के निकट आ सके। मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती, मेरी इबादत मुल्क परस्ती है, मेरी अदालत मेरा जमीर है, मेरी जायदाद मेरा कलम है, तेरा मंदिर मेरा दिल है और मेरी उमंगे सदा जवान है। मैं इस छुआछूत की घोर निंदा करता हूँ। इस अमानुषिक, पाशविक तथा घृणित प्रथा का चलन हिंदुओं और हिंदू धर्म पर कलंक है। लाला जी का बड़े वेरी पावरफुल स्पीकर, मुझे वो पिताजी बताया करते थे कि जब वो बोलते थे एक अजीब किस्म का नशा आता था। पब्लिक में हजारों की तादाद में बोलते थे, बहुत ही। और लाला जी का तो हमारी डीव स्कूल सेटअप करने का, गुलाम नेशनल बैंक शूट करने का, और IAS मास्टर के थे। लाला जी तो देखिए ना, एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क की आज़ादी के लिए और एक सेल्फ सेक्रीफाइस मुद्दा, लोगों की सेवा करना इसी के लिए नहीं बट परमानेंट, ये जो उन्होंने सर्वेंट पीपल सोसाइटी बनाई, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो बताती है अभी भी यंग मैन को, जो हमारे अब यंग मैन हैं, मालवीय साहब हैं, राजकुमार हैं, ये यंग ही है ना, जो 100 साल मनाई जा रही है, उसमें पंजाब में भी बहुत फंक्शन हो रहे हैं। सन 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन का लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और विपिन चंद्र पॉल जैसे आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध किया और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलनों की लहर सी दौड़ गई। इसके बाद वो समय आया जब लाला लाजपत राय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश सरकार भी उनसे डरने लगी। पारो, बेटा पार्वती, जी बाबूजी, मेरी छड़ी लेके आना। आपको कमिश्नर साहब याद फरमाते हैं। आप लोग चलिए, मैं जरूरी काम से चीफ कोर्ट जा रहा हूँ। काम खत्म होते ही आकर कमिश्नर साहब से मैं मिलता हूँ। नहीं लाला जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। पहले आपको कमिश्नर साहब से मिलना जरूरी है। कमिश्नर साहब, आपने अचानक कैसे याद किया? लाला लाजपत राय, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट 1818 के सेक्शन 3 के तहत अरेस्ट किया जाता है। बंद होगा जिस जगह पर शेरेवर पंजाब का, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल के दीवार का। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मेरी ऐसी गिरफ्तारी। अच्छा है कि मेरे करीबी और रिश्तेदारों का मुझे रोना धोना नहीं सुनना पड़ा। मैं देश सेवा के जिस मार्ग पर चल रहा हूं, उन पर चलते हुए मुझे इन हालातों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझ पर जो भी संकट आएगा उसका बहादुरी से मुकाबला करेंगे। लाला लाजपत राय जीवन भर राष्ट्रीय हितों के लिए जूझते रहे। वे उच्च कोटि के राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि ओजस्वी लेखक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। इसके अलावा उन्होंने द पीपल, द पंजाबी जैसे साप्ताहिक अखबार निकाले और यंग इंडिया जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया। विश्व युद्ध के दौरान लगभग 5 वर्षों तक लालाजी देश के बाहर अमेरिका और जापान में निर्वासित जीवन बिताने के लिए बाध्य हुए थे। सन 1920 में जब लालाजी अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस स्वागत समारोह की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाला जी ने तिलक राजनीतिक स्कूल खोला और उनके कार्यकर्ताओं को इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा देकर देश सेवा में लगाया। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलकत्ते में ये हुई कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता का सम्मान लाला लाजपत राय को सौंपा गया और इसी वर्ष गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पहली बार चर्चा हुई। लाला जी ने आजीवन सदस्यता वाले देश सेवकों को तैयार करने के लिए लोक सेवक मंडल का गठन किया जिसके द्वारा राजनीति के क्षेत्र में बड़ी बड़ी हस्तियां निकली, जिनमें राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता और कृष्णकांत आदि रहे। लाला जी की एक सबसे खास बात यह कि उन्होंने देश के सभी नागरिकों, विशेषकर छात्रों से अपील की कि वो अपना विद्यालय छोड़कर कम से कम एक वर्ष देश को दें। लाला जी का 63 वर्षीय जीवन अनेक यादगार संस्मरणों से भरा हुआ है। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद पॉल के साथ इस प्रकार देश सेवा और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में गतिविधियां की कि वो कालखंड इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से पुकारा जाता है। लाला जी के जीवन की एक बहुत ही प्यारी सी घटना है जो उनके पारिवारिक जीवन के पहलू को उजागर करती है। लाला जी की अपनी एक ही पुत्री थी, उसका नाम पार्वती था, लेकिन लाला जी उसे प्यार से पारो कहते थे। जब पार्वती के पति स्वर्ग सिधारे तो पार्वती को एक ही पुत्र था, उस बच्चे का नाम भारत भूषण रखा गया। जब भारत भूषण जवान हुए तो उनके विवाह का प्रबंध किया गया। लड़की वालों ने 100 रुपए पार्वती को दिए
और लाला जी को 100 रुपए सादर भेंट किए। लाला जी भारत भूषण के नाना भी थे और कर्ता धर्ता भी। बाऊजी चलिए बंद करिए और ये दूध पी लीजिए और ठंडा मत करिएगा। अरे पारो। हाँ बाऊजी। एक बात पूछनी थी तुझसे। हाँ बाऊजी पूछिए। वो समधी के घर से जो रुपया आया था उसका क्या किया तूने? बाऊजी पहले आप बताइए आपने उस रुपए का क्या किया। अच्छा मैं बताऊं? चल बता भी दे। नहीं पहले आप बताइए आपने उस रुपए का क्या किया। बहुत हर्ट करती है, चल बता। मैंने तो वो रुपए यतीम खाने में दे दिए, इसलिए कि मेरे यतीम भारती का शुभ विवाह हो रहा है। शाबाश। तुझे पता है मैंने भी वो रुपया विधवा आश्रम को दे दिया, क्योंकि आज मेरी बेटी जो अधूरी है ना उसके पुत्र की शादी होने को है। दिसंबर सन 1925 में कानपुर में पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस का झंडा फहराया गया। ये रस्म उस वर्ष लाला जी के हाथों से ही संपन्न हुई और झंडा अभिवादन करते हुए वंदे मातरम का गीत गाया गया। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए आयोजित जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें देखने के लिए उनके घर पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन लाला जी के माथे पर एक शिकन नजर नहीं आती थी। उनके साहस को देखते हुए मुझे वो शेर याद आता है, आन अमन बाशम के रोजे जंग बीनी पुश्त मन, आन अमन बाशम के रोजे जंग बीनी पुश्त मन, ई मन करम दरमयाने खा के खूं बीनी सरे। इसका मतलब है, मैं वो नहीं कि जंग में तू मेरी पीठ देखे, मैं वो नहीं कि जंग में तू मेरी पीठ देखे, मैं वो हूं कि खून और मिट्टी के बीच तू मेरा सर देखे। और लाला जी की बहुत सिर्फ काउंसिलिंग उनकी 28 में तो बेचारों की मौत ही हो गई थी जब वो साइमन कमीशन आया और इन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, और तो वाले साहब भी उस डेमोन्स्ट्रेशन में थे। उनको वो जो लाठी लगी, उनका मानना था कि लाठी से भी काफ़ी चोट आई, मगर उनके मन पर जो असर पड़ा, एक असर इतना कि लाला लाजपत राय जैसा जो कि हिंदुस्तान में दूसरे तीसरे में सब जो चोटी के जो लीडर उनमें थे, उनके ऊपर पुलिस का एक इंस्पेक्टर जुर्रत कर सकता है जानबूझ के लाठी मारना। मुझ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज सरकार के ताबूत की कील होगी। कुछ दिनों के बाद लाठी प्रहार की यातना का शिकार होकर लाला जी ने अपने प्राण त्याग दिए। लाखों की तादाद में लोग उनकी कोठी के अहाते में आकर जमा हो गए। सायंकाल की बेला थी, दिनकर ने अपनी किरणों से सारा अंबर रक्ताभ कर लिया था। लाला जी की जय, भारत माता की जय, इन नारों से अविरल आकाश गुंजायमान हुआ। लाला लाजपत राय के 150 साल होने पर जब हम पिछली तस्वीरों पर जाते हैं, उनकी यादों को याद करते हैं, तो हमें लगता है कि लाला जी के सपनों का भारत अभी अधूरा है। लाला जी ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र में जो सपने देखे थे वो आज अभी अधूरे हैं। न केवल अधूरे हैं बल्कि उससे जो बेहतर स्थिति होनी चाहिए थी आज भी हम उससे नीचे जा रहे हैं। देश प्रांतीयता, भाषा, धर्म के आधार पर विभाजित है। हम अपने अपने सौदे करने के लिए खड़े हैं कि कौन किसका संख्या बल ज़्यादा है, जबकि लाला जी का सपना, लाला जी की शहादत इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुई थी कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे। राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का जो समूह है अभी उसकी ज़रूरत है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी 150 साल होने पर एक पूरा अभियान छेड़ने के मूड में हैं कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं को निकालें जो देश और समाज के लिए काम कर सके,
देखते हैं कि उनके सपने को हम कितना पूरा करवाते हैं। लोक सेवक मंडल इस प्रयास में आगे अभी अभियान छेड़ने के मूड में है और सबसे अच्छी श्रद्धा सुमन लाला जी को यही होगा कि हम कार्यकर्ता निर्माण की श्रृंखला में आगे बढ़े। ऐसो सहो दुख पे छाड़ो ना निज धर्म ऐसो महादानी ऐसो महावीर तुम सनना ऐसो कियो को कठिन काज धन्य धन्य लाजपत। सकुटुंब निश्चल रहे शौर्य अरुहोवे विमल यश कीर्ति गावे सुर समाज धन्य धन्य लाजपत धन्य धन्य लाजपत